सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छाया ग्रह राहु का परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कैसा रहेगा धनुराशि वालों के लिए इसका फल जानेंगे हम लोग यही। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, छाया ग्रह माने जाने वाले राहु 23 सितंबर दिन बुधवार को मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। दोस्तों, राहु हमेशा वक्री अवस्था में ही संचार करते हैं और मानव जीवन में बहुत अहम भूमिका है इनकी। दोस्तों, राहु के वक्री होने से सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह छाया ग्रह माना जाता है। इसलिए जिस राशि पर राहु की छाया पड़ेगी उस राशि वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, राहु वृषभ राशि में 1 साल 6 महीने रहेंगे, इसलिए धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा इस परिवर्तन का, राहु क्या करेंगे धनुराशि वालों के साथ, जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राहु के वक्री होने से धनुराशि वाले जातकों को लेन देन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कहीं लेनदान पैसा के लेन देन में व्यापार में आपको थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पैसा आपको सलाह दी जाती है कि कहीं इन्वेस्ट ना करें, किसी को लेन देन ना करें, पैसा की लेन देन बिल्कुल ना करें, थोड़ा बहुत करें पर अत्यधिक ना करें, आवश्यकता से ज़्यादा ना करें क्योंकि अगर ज़्यादा करिएगा तो नुकसान भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि अब ज़्यादा नुकसान की भरपाई जल्दी नहीं हो पाती, थोड़ा नुकसान की भरपाई जल्दी कर लेते हैं, इसलिए लेन देन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है इस राहु के वक्री होने से। दोस्तों, इस दौरान व्यापार में साझेदारी पर ध्यान रखना है और हर तरह की जांच करते रहिए। जो साझेदारी के व्यापार करते हैं, साथ में पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, उनको हर लेन देन पे ध्यान रखने के लिए सलाह दी जाएगी। हर एक पॉइंट को देखिए, हर एक तथ्य को जांच करिए। दोस्तों, अधिक खर्च आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए खर्च ना करिए, सोच समझ के खर्च करिए, फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए, बिना मतलब के पैसे मत उड़ाइए, आपको यही सलाह दी जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसा करते हैं आप तो जो आपका आर्थिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। जीवन साथी से बिना वजह विवाद हो सकता है जिससे मानसिक तनाव और बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, परेशान होइएगा, परेशानी में घिरे रहिएगा। दोस्तों, लव लाइफ में है तो अभी थोड़ा आराम करिए, लव लाइफ में थोड़ा और रुकना पड़ सकता है, आपको थोड़ा आराम करना पड़ सकता है। ज़्यादा कठोर फैसले या फिर कड़े फैसले अभी लेने के लिए समय सही नहीं है धनुराशि वाले जातकों के लिए, इसलिए समय के साथ चलिए, समय के खिलाफ मत जाइए, नहीं तो आपका भला नहीं होगा। इसलिए जैसा समय है पर अपने आप को उस हिसाब से ढालने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, ये रहा राहु वक्री हो रहे हैं धनुराशि वाले जातकों पर, इसका क्या असर पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट में जय शनिदेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें, शनिदेव और भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा अपनी बनाएं, आपके दुखों को दूर करें, अच्छे फल प्रदान करें आपको, यही कामना करते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। आपका आने वाला समय मंगलमय बीते, अच्छा बीते, शुभ बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे।